अगर आपको थाईलैंड वाला मसाज चाहिए और आप थाईलैंड नहीं जा सकते हो, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थाईलैंड आने जाने का किराया, तो भाई हमारे यहाँ पे आ जाओ, रोडे देख रहे हो, और हमारी बाइक ले जाना, इसको चलाना भाई, थाईलैंड का मसाज ना मिले तब बताना। इसीलिए तो हम थाईलैंड नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मसाज हमको हमारे यहाँ के लखनऊ की कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की रोडे ऐसी हैं हमारे लखनऊ की, तो यहीं पे मसाज का पूरा मजा उठा लेते हैं। हाँ तो भाई कैसे हो, स्वागत है आप लोग का है आज की नई वीडियो में। आज फिर भाई जोमाटो, क्योंकि भाई जोमाटो में शिफ्ट हमने बुक कर ली थी, जोमाटो में शिफ्ट हमारे पास अभी 12 बजे से रात 10 बजे तक है, तो आज देखेंगे कंपनी कितने काम कराती, क्या कराती क्या नहीं कराती। उससे पहले आपको पहले मीटर का दिखाते हैं, बाइक का मीटर चेक कर लो आप, 28,088 हो रहा है। अब देखते शाम तक कितने चलती है बाइक, कितने की अर्निंग होती है, ठीक है। और अभी दूसरी वाली वीडियो उसको मैं अभी मतलब अनलिस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, बस थंबनेल बना के डालना है, तो अनलिस्ट मतलब सीधे उस पर पब्लिक करने वाला हूँ, ठीक है, बने रहो। और एक वीडियो हमने और रख रखी है, वो मस्त वीडियो है, वो थोड़ा बहुत एक दो चार दिन में ही मतलब उसको डालने वाले हैं, तो वो देखना, उसमें मज़ा आए तो बताना है। वो हमारे एकदम नॉर्मल लाइफ से हम और हम अपने दोस्त सर्कल में किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है भाई, तो बताना कैसे लगेगी वो वीडियो, मिलते हैं आपसे। हाँ तो भैया जी आ जाओ, सबसे पहले आपका स्वागत है, सबसे पहले पासवर्ड वासवर्ड डाल लें मजबूत वाला, टाइम चेक करो, 8:52 था कि 53 हुआ है, ठीक है। और ऑर्डरों के बारे में आपको दिखाएंगे, ये रहा जोमाटो ऐप, बिना फालतू का रेन लगाए हैं और ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो, हम आपसे शिकायत करने के लिए आए हैं आप लोगों से, इनको जरा हड़काओ को तो ऑर्डर लगाओ, जब चले मेहनती आदमी हैं हम लोग, कंपनी को कितना रुपया कमा कमा देते हैं, लेकिन कंपनी वाले हमारे बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑर्डर तुमको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ जो करते बने कर लो। देख रहे हो भैया इस तरीके की नाइंसाफी रहती है हमारे साथ, तो तुम ही लोग बताओ मेरे भाई, डंडा डंडा निकाले क्या मोटा वाला, नहीं यार कंपनी के पास ऑर्डर नहीं होगा तो नहीं दे रही, सीधी सी बात है, आएगा तो देगी, लेकिन अब आपके साथ में रहेंगे तो दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, कंपनी पेमेंटी कर रही है भैया, समझ रहे हो, हाँ सामने ब्लर है कि सही है, देखो अभी तलक नहीं आया ऑर्डर, ऑर्डर डिलीवर करे बहुत टाइम हो गया, समझ रहे हो भैया, पता नहीं क्यों निजामने का ला जरा सा जगह का इधर उधर चेंज करके देखें, तो अब जगह चेंज करके देख रहे हैं, इधर से उधर टांगे उठा रहे हैं, कहीं तो बजाओ भैया ऑर्डर, मानी नहीं रही, कहते ना तुम्हें ऑर्डर ना मिले, वो तो भाई हम आपको अब दिखा रहे भाई, भाई ऑर्डर कब से नहीं आया है ये भी दिखा दे रहे, लास्ट ऑर्डर डिलीवर कब करा था, लास्ट ऑर्डर आया था, देखो भाई आप लोग को दिखाएंगे तभी ऑर्डर आएगा, देखा जलवा है हमारा है। हम कह रहे थे रेन बिना फालतू के लगाए हैं, हमको लगा रेन हटाएंगे तभी ऑर्डर बजाए, तो जहाँ पे अपन थे ना, जहाँ पे आपको दिखा रहे थे वहीं उसी जगह से ऑर्डर आया हुआ है, फटाफट के अंदाज में चलते हैं वहीं पे, ठीक है वहीं मिलते हैं आपसे। Meanwhile, तो भैया फाइनली अराइव हो गए हैं, अपना ऑर्डर आया है, नाम तो दिखा नहीं पाएंगे, दिख जाएगा नहीं, अंधेरा बहुत है, गाड़ी चलो यहीं पे खड़ी करे दे रहे हैं, ये है भाई रेस्टोरेंट, इनका नाम स्पाइसी बाइट्स है, बाइट है मतलब ऑर्डर देखो रेडी रखा, समझ रहे हो, अच्छा मेरे को कुछ हमसे कह रहे हैं भैया, एक ऑर्डर रेडी रखा दे दीजिए, चिली गार्लिक फ्राइड राइस वेज मंचूरियन वाला, जलवा है हमारा है। चेक करिए भैया, तो भैया फाइनली मिल गया ऑर्डर, अब ये लोकेशन गलत है, समझ रहे हो भाई, लोकेशन गलत है, तो उनका पहले ही फ़ोन आ चुका, मतलब मैसेज आ चुका है कि भैया लोकेशन देख मत आइएगा, तो अपन को तो मालूम है कि वहाँ पर क्या ही सिस्टम होता है, बस ये समझ लो मोटा मोटी कि भाई इस ऑर्डर में ना 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलती है, अब ये समझो
बाकी तो कुछ नहीं है। आ जाओ भैया, खोपड़ी भी चढ़ा दो। एक से एक तैमूर हमारे शहर में पाए जाते हैं, जिनका ये बेइलाज है, ला इलाज है, इनका कहीं पे इलाज भी सकता। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में सबसे मतलब पूरे इंडिया में एक ही है KGMU, ठीक है, वो भी हमारे लखनऊ में। इनका इलाज वहाँ जाके भी करवाएंगे तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी, आदतें ऐसी हैं। इनका इलाज केवल पता लकड़ियों पे होएगा, जब लकड़ी पे लेटेंगे तब इलाज होएगा। तो भैया फाइनली चल रहा है फटाफट से अर्जुन इनक्लेव, वहीं आपसे बताते हैं, वहीं दिखाते हैं कि ऑर्डर पे कस्टमर ने ये बात क्यों बोली कि भैया लोकेशन देख के मत आइएगा। ₹154 मैम हुआ वैसे आपके चेंज है? हाँ बिल्कुल है। ओके ये पकड़ लिया आपने 254 है। सेकंड हाँ 54 तो है, 2 भी होगा फिर। ये ठीक है मैम, दो ही नोटे हैं, ₹100 आपको देने मेरे को। आपने अच्छा हुआ कि पहले मैसेज कर दिया था, ना कोई और होता तो वो बेचारा नाश्ता रहता। नंबर में आता ही नहीं, प्राइवेसी का इशू रहता ना, आपका भी नहीं मेरे को मिलता ना आपको मेरा मिलेगा। ठीक है मैम शुक्रिया, रेटिंग कर दिएगा। ओके तो भाई फाइनली ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया अपन ने। देखते इस ऑर्डर का कितना पे आउट दिया कंपनी ने, ₹50 दिया है और डिस्टेंस था 5.3 किलोमीटर। ठीक ही है, चलो नेक्स्ट ऑर्डर बस लगे है तब मालूम चले। ठीक है भैया फाइनली रोड चेक करो यहाँ की, पहले सबसे पहले रोड चेक करो, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अंधेरी रात में दिया किसी और के हाथ में। अगर आपको थाईलैंड वाला मसाज चाहिए ना भाई, अगर आपको थाईलैंड वाला मसाज चाहिए और आप थाईलैंड नहीं जा सकते हो, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थाईलैंड आने जाने का किराया, तो भाई हमारे यहाँ पे आ जाओ, रोडें देख रहे हो, और हमारी बाइक ले जाना, इसको चलाना भाई। थाईलैंड का मसाज ना मिले तब बताना, इसीलिए तो हम थाईलैंड नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मसाज हमको हमारे यहाँ के लखनऊ की कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की रोडें ऐसी हैं हमारे लखनऊ की, तो यहीं पे मसाज का पूरा मजा उठा लेते हैं। ये सुझाव हमें पसंद आया। 2000 years later भैया मुद्दत बीत गई पता है क्यों? ये चेहरा देखने के लिए बॉन बेकर्स जस्ट बगल में, ये अपन देखो यहीं से अराइव भी कर सकते हैं। ऑर्डर रेडी नहीं, बॉन का ऑर्डर रेडी नहीं भाई, एलडी अपार्टमेंट काउंसिल चंद्रलोक जाना भाई। देख रहे हो ये स्कैम हो रहा हमारे साथ आज, पता नहीं क्यों ही कंपनी पता जानबूझ के रोक रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो कभी तो आप समझ जाओ कि कंपनी जान कर रोक रही है। ये जो जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर लगा है ना भाई, यहाँ से 99% ऑर्डर जो है रेडी गिरते हैं, क्योंकि ये एक बेकरी है, बेकरी में 99% ऑर्डर मेरे रेडी मतलब यहाँ पर रेडी ही मिलते हैं। और आज ऐसा सीन है ना कि ये जो ऑर्डर लगा ये भी ऑर्डर रेडी ही नहीं मिलेगा, वहाँ जाके हो सकता है कोई 10-5 मिनट ये खा भी जाए उस ऑर्डर में, और कोई बड़ी बात नहीं कब आधा घंटा खा जाए, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चल रहे भैया देखो ये बगल में ही है, बाइक स्टार्ट करी हमने, और ये बॉन बेकर आपको दिखा देते हैं किस तरह से बना हुआ हमारे पुरनिया पर ही है। बिल्कुल देखिए सामने से दर्शन होंगे, बस ये देख रहे हैं आप बॉन बेकर, ये देखिए यहाँ का ऑर्डर यहाँ मिलता है जो भैया बैठे हुए हैं पलथी मारे। अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, उनसे पूछना पड़ेगा क्या सिस्टम है इसमें। पनीर टिक्का सबमरीन, ये वाला ऑर्डर भैया देखो कहीं फंसा हुआ है क्या? नंबर 0489 देख ले यार, देखो हज रहा है भैया, पनीर टिक्का सबमरीन वाला है। हाँ इससे वीडियो बना रहे हैं। लाइव नहीं रिकॉर्ड होती है, हाँ तब बनाना। रेडी नहीं भाई, तो कह रहे इसमें दो आइटम है भाई, देखो नहीं बाहर नहीं रखा है आपके। अच्छा यही है 0489 रेडी कर दीजिए, ला दे दो फिर। नहीं कोई लंबा रूट नहीं, जब टाइम मिल जाए, जब जहां मिल जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलो भैया थोड़ी किस्मत सही है, ये ऑर्डर
पिकअप हो चुका है और मिल भी गया, बगल में ही देना, ये ऑर्डर भी आपके साथ में ही करेंगे, ठीक है, नो डाउट। वीडियो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रख लिया आगे, राइट लेना है ना भैया, आप बाहर ही खड़े बता रहे हैं, देखिए होने को हुआ आपको, ये आप खड़े ना बनियान में, ओके ओके भैया जी ओके। अच्छा यहाँ पे ब्लॉकों पे लिखा हुआ है कि नहीं भैया? अरे भैया इस साइड में, चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया, यहाँ अंधेरा ही रहता उस बार भी आए थे, ठीक 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 धन्यवाद भैया। भैया फाइनली ये ऑर्डर जो लगा था 20-25 रुपये कितने का लगा था देख लेते हैं अपन, 25 रुपये का लगा था 1.8 किलोमीटर का, ठीक है, बज गया 9:54। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं, अब भाई एक घंटा बचा हुआ हमारे पास, बस ये वाला ज़रा टाइम बीतने दो, फिर उसके बाद गोटो होम खेलेंगे कंपनी के साथ। आप कह रहे हो अर्निंग दिखा रहा, अर्निंग आप आज मतलब हम आज आपको अर्निंग घर चलकर दिखाएंगे, देख रहे हो भाई लगाम लगा करके बोलना पड़ता है, तो मेरे शब्द है ना वो दादा साहब फालके के घोड़े से भी तेज भागता हमारा। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। ये देखो बारबेक्यू नेशन से ऑर्डर आ गया और ये ऑर्डर रेडी रखा शायद, थोड़ा चल रहा है बारबेक्यू नेशन, ठीक है वही थर्ड फ्लोर वाला। फाइनली पहुँच गए हैं बारबेक्यू नेशन, अभी आपको दिखाते हैं बारबेक्यू नेशन दिखाने के लिए हमको कितने जतन करने पड़ते हैं, समझे भैया कितने जतन का मतलब समझ रहे हो, जतन कोई नहीं है, जतन है ये कि खोपड़ी, अगर हम यहाँ पे टोपी पहन के आते हैं ना याली बिल्डिंग के पास तो हमारी टोपी पता पीछे गिर जाती, पीछे का मतलब समझ रहे हो, यूँ पीछे। ये देखो भाई बारबेक्यू नेशन दिख रहा है कि नहीं, ये बारबेक्यू नेशन है और ये है बारबेक्यू नेशन, हिंदी वालों के लिए ये, अंग्रेजी वालों के लिए ये बारबेक्यू नेशन है, ठीक है। और हमारे अराइव तक नहीं करा इनको हमने, तो अराइव कर ले, रेडी रखा है, देखेंगे कहाँ जाना है। C55 महानगर एक्सटेंशन बड़ा चांदगंज, कह रहे हैं ना कि जब पूरे दिन मतलब जब भेजना होता है ना उधर साइड में तब नहीं भेजेंगे, अरे वहाँ से अभी ऐसे टाइम पे भेज रहे हैं, तो हमारे टाइम हमारे लिए क्या चालू हो गया है, गो ऑफलाइन, नहीं भाई गो टू होम का ऑप्शन तो आता है यहीं पर, ऑर्डर लगे पे नहीं आता क्या, ऑर्डर लगे पे नहीं आता, तो भाई यहाँ का नियम यह है कि एक मंजिल ये दूसरी मंजिल चौक है, मतलब जब डेढ़ मंजिल चलोगे तो हमारे यहाँ लखनऊ में ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है, देखिए ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट है, हमको जाना है सेकंड फ्लोर, मतलब थर्ड पे जाना है तब सेकंड दबाना है, भैया रहा तुम्हारा भाई पेट है तो नहीं दिख रहा, भैया पेट है ही नहीं, इतने दुबले पतले हैं ब्रूसली के भाई, ब्रूसली है कि नहीं भाई, मोबाइल जो कितने जुगाड़ से लगाए, फेफड़ा फूल जाता है, इनको बताओ जरा कैमरा जो लगाए, ये हमको देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, और हम आपको कुछ और दिखाते हैं। ये ऑर्डर में हमें एक 0502 भैया ऑर्डर, अरे एक सेकंड रुको दोस्त, हम रुके हैं बोलो 0502 भैया, ये पकड़िए पिक कर लो, सामने देख, सामने देखिए सामने, उस दिन हम जेल चुके हैं भैया, आप ही थे ना, नहीं थे कल, अरे नहीं वो किसी राइडर को दे दिए होंगे पिक करके, ले नहीं गया वो काम लगा दिया, तो है तो अरे तो गलती आपकी भी तो है, सामने पिक करवाइए, आप जब यहाँ लगा लोगे शर्मा नहीं है किसी के तो क्या करोगा कोई, यहाँ नहीं आप वाली बात नहीं हो रही, देखो आपकी वो ड्यूटी पता, उस दिन 1700 रुपए पेनल्टी हमारे आते आते बची है, कब कल, अरे कल नहीं करीब हफ्ता भर हो गया, 1917-1900 ऐसे ऑर्डर था, तब हमने नहीं, हम थे ही नहीं, एक थाली थी और एक कॉम्बो था, हम नहीं थे वो पहले, हमारे आने से पहले की बात है। चलो ठीक है भाई, चलो भाई फाइनली ऑर्डर पिकअप हो चुका है, अभी लिफ्ट जहाँ पे हमने लिफ्ट को छोड़ा था वहीं पे है, दब जा बटन, देखा सिमसिम वाला दरवाजा इतनी देर नहीं खुलता, वो जितनी देर हमारे बटन दबाने पर लिफ्ट खुल गई है, समझ रहे हो भाई, चलो फटाफट चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे ही मिलते हैं आपसे, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, बात तो सही है। भैया फाइनली पहुंच तो गए हैं लोकेशन के हिसाब से, पता नहीं
हाँ जी कह रहे हैं लोकेशन के हिसाब से विराजमान हो गया हूँ आपकी लोकेशन पे। जी 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 आप है क्या, आप ही खड़े हैं? ओके ओके हाँ हाँ देखते देखते आप मेरे को ₹105 हुआ आपका रुपये ऑर्डर आप। हाँ भैया बिल्कुल है, ये ऑर्डर पहले आपका डिलीवर कर दे रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओगे भैया? ₹37 जी जी हाँ हमको IM वाली रोड पर निकलना है। जी जी अब हमको पता भी तो नहीं कौन कौन सी गलियों में से मुड़ के आए हैं। चलो अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। ठीक भैया ओके आराम से। तो भैया फाइनली जो ऑर्डर था ये हमने डिलीवर कर दिया है और बाइक आपको दिखा दे रहे, बाइक का मीटर चेक कर सकते हो अभी, बाइक 246 हो रहा है। ठीक है अब सीधे निकल रहे भाई यहाँ से घर। ₹37 मिला था इस ऑर्डर का, लेकिन यहाँ से निकलना कोई सीधी खीर नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है क्योंकि ये बहुत ही अल्टर जगह है भाई, समझ रहे हो। यहाँ से निकले घर पहुँच के सीधे आपसे रब्ता करते हैं। ठीक है भाई वहीं मिलते हैं। रुको जरा सबर करो। हाँ भाई जी आ गए घर पे और खाना पीना खा के नहा करके भाई, क्योंकि एकदम गर्मी में चिपचिपाहट इतनी हो गई थी साला, एकदम आज उमस वाला बहुत ज़्यादा माहौल था। सबसे पहली चीज़ है अर्निंग, 10 घंटा 10.6 hours है, आपको मेन स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए भाई 10.6 hours लॉगिन रहे, 18 ऑर्डर करें, अर्निंग ₹985 की अर्निंग हुई है। और तुम्हारे भाई ने एक इंसेंटिव अचीव करा था, इंसेंटिव भी आपको खोल के दिखा दे रहे कौन सा इंसेंटिव मैंने अचीव करा था सबसे पहले। तो आज भाई बहुत ही बुरा हाल था, मतलब काफ़ी दिन बाद, क्या 2-4 दिन पिछले वीक में सही से काम नहीं करा। आपको दिखाते हैं ये रहा इंसेंटिव, 450 के ऑर्डर वैल्यू पे ₹170 इंसेंटिव अचीव करा है, जो कि हमारा ये आ रहा है 900 अर्निंग, ₹170 वो, तो ₹1155 का इंसेंटिव, मतलब टोटल अर्निंग आ रही है। जो बाइक चली भाई 158 किलोमीटर चली, अगर आप 158 डिवाइडेड बाय अगर आप ₹2 के हिसाब से रखते हो ना, इंटू ₹2 रखते हो ना भाई, ₹316 की पेट्रोल लगी है। मतलब ₹2 मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ ना, ₹2 में सर्विस भी जोड़ता हूँ कि मतलब आप गाड़ी की मेंटेनेंस भी ₹2 के हिसाब से हो जाती है भाई। मतलब बाइक का भी है भाई, कोई ज़्यादा महंगी बाइक नहीं है, कोई ज़्यादा एवरेज नहीं देती है, ऐसा वाला सीन नहीं, अपने पास एवरेज भी ठीक ठाक निकल आता है, हर चीज़ हो जाती है। तो भाई ₹316 की अगर अर्निंग है तो ₹1100 में से अगर लेस करोगे ना भाई, तो 1150 में 300 निकाल दोगे तो 8, 9, 10, 11, तो यार 850 बचे हैं। 10 घंटे के हिसाब से ठीक है, सब काट पीट के बचे हैं तो भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आज गाड़ी बहुत ज़्यादा चली, अब से मैं जोमैटो कर रहा हूँ आज पहली बार इतनी बाइक चली है। ठीक है और आप लोगों को जो बता रहा था कि भाई पैसा आप लोग कमाते तो हो ठीक ठाक अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कंपनी जब तक है तब तक है, ठीक है उसके बाद कोई भरोसा नहीं। तो आप एक काम करा करो, मैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही आपको बताऊँगा कि आपने 10% देखो, जैसे आज आपने ₹1100 काम करा, 10% इसका ₹110 है, ₹100 मोटा मोटी हो रहा है, वो 10% आप निकाल कहीं पे डाल दो, भूल जाओ, अगर भूल सकते हो तो भूल ही जाओ, अपना कहीं सेव करते रहो, या कहीं अगर कोई अगर नॉलेज है आपको मार्केट में तो भाई नॉलेज के हिसाब से, नहीं नॉलेज है तो आप बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, आप किसी का भी देख करके आप वो पैसा किसी इक्विटी में डाल सकते हो, किसी लॉन्ग टर्म में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास क्षमता है 5 साल झेलने की तो आपको ये अंदाजा है कि भाई हम 10% अपना, अगर आपकी 6000 की सैलरी है 10% के हिसाब से ₹600 बन रहा है, ₹600 हर महीने निकाल के डालो भाई, वो बहुत ज़रूरी काम आता है। ठीक है तो यही एक मंत्र है जो हम भी यूज़ करते हैं, आप लोग को भी हमने कहा शेयर करके देखें, जो जो लोग भाई अगर अप्लाई करते हो तो कभी दुखी नहीं रहोगे भाई, ये पैसा पता नहीं चलता ना, जब एक टाइम पे मेरे को मिलता है, जब कभी भी मिलता है तो भाई ये पैसा दिखता है, सीधी सी बात ये है। अभी आप कुछ भी कर लो नहीं बचा पाओगे, आप समझ लो अगर आप कोई नशा पत्ती करता है, जैसे कि हालांकि करते ही लगभग इस लाइन के लोग, तो भाई मसाला वगैरह या सिगरेट वगैरह फूंकते हो, आप अगर उससे कुछ भी मतलब हल्का फुल्का देखोगे ना
बचा सकते हो तो बचा लो, मतलब किसी भी तरीके से बचाना चाहो तो बचाने वाले बचा लेते हैं, नहीं बचाने वाले नहीं बचाते हैं। वो केवल आपके बुरे वक्त के काम आएगा, जैसे कि अभी आप पर कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता पड़ जाए, किसी आगे आपको हाथ भी फैलाना पड़ेगा, उसे उस दिमाग में भाई रखो ये चीज़ कि कभी ना हो ऐसा किसी के साथ। लेकिन फिर भी पैसा बचाना जरूरी है भाई, आप लोग बचाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ, हालांकि बचता नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बने रहो भाई, कल मिलते हैं आपसे नए दिन नई शुरुआत के साथ, ठीक है भाई, बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर के जाना, और उसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट जरूर करना, कहाँ पे कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा तो भाई जरूर कमेंट करना, वो चीज़ जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, फीडबैक जरूरी है। ओके, मिलते हैं आपसे, जय हिंद।